और अब बात बप्पा की कर लेते हैं। देखिए आज गणेश चतुर्थी है और आप सबको बहुत बहुत बधाई, लेकिन साथ ही आपको यह भी याद दिलाना हमारा फर्ज है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए त्योहार जरूर मनाइए लेकिन पूरी सावधानी के साथ। फेस्टिवल्स होंगे, मास गैदरिंग होगी, उससे हमें बच के रहें। फेस्टिवल्स को परिवार में ही मनाएं, ये एक वार्निंग भी कह लीजिए, रिक्वेस्ट भी कह लीजिए जो हम सब की तरफ से है। तो एक तरफ संक्रमण है तो दूसरी तरफ है श्रद्धालु और बीच में है सावधानी की लक्ष्मण रेखा, जिसे लांघना न सिर्फ भक्तों बल्कि पूरे भारत को महंगा पड़ सकता है। इसीलिए सरकार कह रही है कि त्योहार मनाइए जरूर, लेकिन कोरोना नियमों को तोड़े बिना। फेस्टिवल्स को परिवार में ही मनाएं तो सबसे अच्छा ही बात है, उसी में सीमित करें। बहुत मौके आएंगे फेस्टिवल्स को मनाने के, ये एक वार्निंग भी कह लीजिए, रिक्वेस्ट भी कह लीजिए जो हम सब की तरफ से है। सरकार को ये बात बार बार इसलिए याद दिलानी पड़ रही है क्योंकि आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र वो राज्य है जो संक्रमण का सबसे खराब दौर देख चुका है और ऐसी नौबत दोबारा ना आए, इसीलिए उद्धव सरकार ने गणेश उत्सव के दौरान पंडालों में आम श्रद्धालुओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीएमसी ने भी पंडालों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। समारोह के दौरान जुलूस में भाग लेने वालों की संख्या भी सीमित रहेगी। सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय 10 से अधिक लोग मौजूद नहीं होंगे। घर में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय अधिकतम 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। जुलूस में भाग लेने वालों को अनिवार्य तौर पर कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक लेनी होगी और दूसरी खुराक लिए हुए 15 दिन से अधिक समय होना चाहिए। कंटेनमेंट जोन में आने वाले पंडालों को पंडाल परिसर में ही प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था करनी होगी या इसे स्थगित करना होगा। बीएमसी ने घर में स्थापित किए जाने वाले गणपति की मूर्तियों की ऊंचाई 2 फुट जबकि सार्वजनिक मंडलों के लिए 4 फुट तक सीमित कर दी है। और आने वाले दिनों में जो हम कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, फेस्टिवल्स होंगे, मास गैदरिंग होगी, व्यक्ति इकट्ठे होंगे बाजारों में, मंडपों में और पंडालों में, उससे हमें बच के रहना है। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता केरल ने बढ़ा दी है जो पिछले 1 महीने से कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। गुरुवार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 43,263 नए मरीज सामने आए, जिनमें से 30,136 कोरोना मरीज सिर्फ केरल में ही मिले हैं। देश में कुल कोरोना मामलों के 68% अकेले केरल से हैं। केरल इकलौता ऐसा राज्य है जहां अब भी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को डर इस बात का भी सता रहा है कि अगर केरल में हालात जल्द नहीं सुधरे तो संकट बड़ी शक्ल अख्तियार कर लेगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल से अलग देश के लिए राहत की बात यह है, देश में 58% आबादी को कोरोना की पहली वैक्सीन लग चुकी है जबकि 18% जनसंख्या दोनों डोज ले चुकी है। देश में औसतन रोजाना 70 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और सरकार का दावा यह है कि इस महीने में वैक्सीनेशन का औसत आंकड़ा नए रिकॉर्ड बनाएगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले दिन त्योहारों के दिन हैं, उससे पहले हमें टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाना होगा। त्योहार कहीं जान पर भारी ना पड़े, इसीलिए दिल्ली सरकार ने भी सार्वजनिक स्थलों पर भी गणेश चतुर्थी मनाने पर रोक लगा दी है। केरल और कर्नाटक में भी कड़े प्रतिबंधों के साथ त्योहार मनाने की अनुमति दी गई। बिल्कुल प्रतिमा आदर्श, तो ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि वो त्योहार तो मना सकते हैं लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस का भी वो पालन करें। मुंबई की एक तरफ हम बात करें तो मुंबई में लगातार कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि टीकाकरण भी यहाँ तेजी से हो रहा है, लेकिन इस बीच अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो स्थिति भयावह हो सकती है। दूसरी तरफ गणेश गली में इस वक्त क्या माहौल है, क्योंकि आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत होने जा रही है, गणेश उत्सव शुरू हो रहा है, देखिए जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रशांत बढ़े ने।
देश भर में अभी गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हर साल मुंबई में जिस तरह से बड़ी भीड़ होती है गणेश उत्सव में, वो इस साल कोरोना को लेकर जो है जो प्रतिबंध लगाए गए हैं इस वजह से नहीं है। और मैं हूँ अभी मुंबई के राजा कहलाने वाले जो गणेश गली का गणेश उत्सव मंडल है उसके पंडाल में, और हम देख सकते हैं अभी उसकी पूजा चल रही है, प्राण प्रतिष्ठा पूजा चल रही है। जो अध्यक्ष है इस मंडल के, उनके हाथ से यहाँ पे ये पूजा हो रही है। लगभग मुंबई में हर साल हजारों की संख्या में इस पंडाल में जो भाविक है वो सुबह से ही पहुंच जाते हैं, इस प्राण प्रतिष्ठा पूजा में पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस तरह से मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर 144 की धारा लगाई गई है, इस वजह से बहुत सारे प्रतिबंध जो है वो गणेश उत्सव पर आए हुए हैं। लगभग जो मंडल के कुछ चुने कार्यकर्ता है उनको मंडप इस पंडाल में जो है एंट्री मिली हुई है, और इसी के साथ जो लोग हर साल यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं उनको प्रतिबंध लगाया गया है, और उनको ऑनलाइन जो दर्शन है उसकी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध की गई है। कैमरामैन संजय के साथ प्रशांत बड़े, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।